नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डायनमो टाइप वॉट मीटर और इंडक्शन टाइप वॉट मीटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वॉट मीटर क्या है। वॉट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करता है। मीन्स वॉट मीटर क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका जो सप्लाई रेट होता है उसको मेजर करता है। और किस में मेजर करता है? ये वाट में मेजर करता है। तो वाट मीटर क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिक पावर को वाट में मेजर करता है। देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। तो जनरली वाट मीटर के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला हो गया डायनमो टाइप वाट मीटर, दूसरा हो गया इंडक्शन टाइप वाट मीटर, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर। इस वीडियो में हम डायनमो टाइप और इंडक्शन टाइप वाट मीटर के बारे में जानेंगे। डायनमो टाइप वाट मीटर क्या होता है? डायनमो टाइप वाट मीटर एक ऐसा वाट मीटर होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रिएक्शन पर वर्क करता है। इसमें दो टाइप की कॉइल लगी होती है, मूविंग और फिक्स्ड कॉइल, और इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके रिएक्शन पर डायनमो टाइप वाट मीटर हमें मेजरमेंट देता है। अब ये जो डायनमो टाइप वाट मीटर, इसको इलेक्ट्रो डायनमो मीटर भी या इलेक्ट्रो डायनमो टाइप वाट मीटर भी कहते हैं, और ये जो है ये एसी और एसी और डीसी दोनों करंट को मेजर कर सकता है। ये एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। इसके बाद देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रोडायनमोमीटर है या डायनमो टाइप वाट मीटर है, इसका वर्किंग सिस्टम जो है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है, बहुत इजी है। जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है कि एक मैकेनिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। मतलब उस कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मैकेनिकल फोर्स लगता है जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है। अब अगर उस कंडीशन पे जब वो मैकेनिकल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा तो मैकेनिकल कंडक्टर मूव करेगा। अब कंडक्टर मूव करेगा तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं कि जो कंडक्टर है उस पे हम एक पॉइंटर लगा दें और स्केल, तो वही कंडक्टर हमारा क्या करेगा, मेजरमेंट हमें देने लगेगा। और ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग सिस्टम। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। इसके कंस्ट्रक्शन में जनरली दो फिक्स्ड कॉइल होती हैं जो कि सीरीज में होती है, और फिक्स्ड कॉइल के सीरीज में एक लोड लगा होता है। मीन्स फिक्स्ड कॉइल के सीरीज में लोड लगाया जाता है, साथ ही इन दोनों फिक्स्ड कॉइल के बीच में पैरेलल एक मूविंग कॉइल होती है जिसमें हमारा पॉइंटर कनेक्टेड होता है, और इस मूविंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, सीरीज रेजिस्टर। अब जब यहां से इसमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये जो फिक्स्ड कॉइल होती है, फिक्स्ड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके कारण जो ये मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल में एक डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होता है, और उस डिफ्लेक्शन टॉर्क से हमारा पॉइंटर मूव करता है, और पॉइंटर हमारा मूव करके हमें मेजरमेंट देता है। तो इसका जो वर्किंग सिस्टम है, मींस इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वो हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि इसमें दो फिक्स्ड कॉइल हो गई और उन दोनों कॉइल
से क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी मूविंग कॉइल है उसमें एक डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट होता है, और इस डिफ्लेक्शन टॉर्क से हमारा जो पॉइंटर है वो मूव करता है। यही इसका वर्किंग मैकेनिज्म है। अब देखते हैं डायनामो टाइप वाट मीटर के एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या क्या है। इसमें जनरली क्या होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फ्री होता है। किससे फ्री होता है? ईडी करंट के लॉस से। मींस जो इसमें ईडी करंट का लॉस होता है वो नहीं होता, इसलिए ये ईडी करंट के लॉस से फ्री होता है। दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही सटीक तरीके से हमें मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। मींस इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत अच्छी होती है। ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है, मींस ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज एक ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी किया जा सकता है। अब देखते हैं डायनामो टाइप वाट मीटर के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डायनामो टाइप वाट मीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसका टॉर्क और वेट का जो रेशियो होता है बहुत लो होता है, इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी लो होती है। साथ ही ये पीएमएमसी और एमआई टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि ज्यादा महंगा होता है, और ये ओवरलोड और मैकेनिकल इंपैक्ट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से इसे अच्छे तरीके से केयर के साथ रखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो ऑपरेटिंग करंट होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, मींस जो ऑपरेटिंग करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, इसलिए इसमें जो ऑपरेटिंग करंट है वो ज्यादा होता है। दूसरा है इंडक्शन टाइप वाट मीटर। अब इंडक्शन टाइप वाट मीटर क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रेशर और करंट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके म्यूचुअल इंडक्शन पर ये वर्क करता है। और ये जो वाट मीटर है ये सिर्फ एसी सर्किट को मेजर करता है, ये डीसी को मेजर नहीं करता, ये सिर्फ एसी सर्किट को मेजर करता है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सर्किट होती है उसमें इंड्यूस्ड करंट के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है, और जिस टॉर्क पर ये वाट मीटर वर्क करता है, इसलिए वाट मीटर सिर्फ एसी करंट को ही मेजर करता है, मीन्स एसी सर्किट में ही ये वर्क कर सकता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण इसका एक मूविंग पार्ट होता है जिसमें एडी करंट जनरेट होता है, और ये एडी करंट हमें पावर का मेजरमेंट देता है, मींस पावर को मेजर करके हमें देता है। अब देखते हैं इसका वर्किंग सिस्टम कि वर्क कैसे करता है। इसमें जनरली होता क्या है कि दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक हो गया शंट मैग्नेट, और शंट मैग्नेट में बाइंडिंग की जाती है जो होती है प्रेशर कॉइल की। वहीं दूसरा मैग्नेट होता है सीरीज मैग्नेट, और इस मैग्नेट में जो बाइंडिंग की जाती है उसे बोलते हैं करंट कॉइल या सीरीज कॉइल या फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं।
अब ये दोनों मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है, जो कि ये इस वाट मीटर का एक मूविंग पार्ट होता है। ये एल्यूमिनियम डिस्क होती है और ये तीनों चीजें एक स्पिंडल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। साथ में जो संट मैग्नेट है उसमें कॉपर शेडिंग बैंड लगाए जाते हैं। अब इसमें जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो करंट सप्लाई करने पर इसमें होता क्या है कि जब भी हम करंट सप्लाई करते हैं तो करंट सप्लाई करने पर जो सीरीज मैग्नेट होती है, सीरीज मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फ्लक्स या अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। अब इस फ्लक्स के कारण जो डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क है, उसमें एडी करंट जनरेट होता है। सेम प्रोसेस प्रेशर कॉइल में भी होती है। इसमें भी क्या होता है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक डिस्क में एडी करंट जनरेट होती है, लेकिन इस प्रेशर कॉइल में जो करंट बहता है, जो करंट फ्लो होता है, वो 90 डिग्री लैग करता है। मीन्स सीरीज मैग्नेट की जो करंट कॉइल है उससे कम करंट होता है इसमें। इसके लिए लगाया जाता है इसमें कॉपर शेडिंग बैंड, जो कि इसके करंट को 90 डिग्री लैग करता है। अब जब यहां पे मैग्नेटिक डिस्क में, मीन्स जो एल्यूमिनियम डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क में जब एडी करंट जनरेट होता है, तो जिसके कारण इसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, जिसके कारण ये डिस्क घूमने लगती है। इसके कारण ये डिस्क घूमने लगती है और ये डिस्क घूमती है तो जो स्पिंडल लगा होता है संट मैग्नेट में, उसमें ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होता है। मींस उसमें भी एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होता है, जिसके कारण जो उसमें पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। तो इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। जैसे ही इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो जो सीरीज मैग्नेट है उसमें करंट कॉइल में क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट या अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। अब उस फ्लक्स के कारण डिस्क में एडी करंट जनरेट हो गया। यहां तक कि इसकी कहानी खत्म। अब जो दूसरा है वो क्या है, संट मैग्नेट। तो जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो प्रेशर कॉइल में जो करंट फ्लो होता है कॉपर शेडिंग बैंड के कारण 90 डिग्री लैग करता है और साथ ही एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, जो कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण डिस्क में एडी करंट जनरेट हो गया। अब उस एडी करंट के कारण डिस्क में एक डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट हो गया, क्योंकि एडी करंट इसके हर पार्ट में, डिस्क के हर पार्ट में एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या हो गया, एक डिफ्लेक्शन टॉर्क जनरेट हो गया। और डिफ्लेक्शन टॉर्क के कारण ये डिस्क मूव करती है। डिस्क से कनेक्टेड स्पिंडल होता है तो स्पिंडल भी हमारा मूव करता है, जिसके कारण जो हमारा पॉइंटर है वो हमें मेजरमेंट देता है। इसका वर्किंग बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। और इसका यूज सिर्फ एसी मेजरमेंट में किया जाता है, डीसी में नहीं। इसको हम सिर्फ एसी मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, डीसी मेजर करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। और इसकी जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है वो एल्यूमिनियम डिस्क हमेशा रोटेट होती रहती है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है। अब देख लेते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर में एडवांटेज क्या क्या है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है फील्ड इफेक्ट से फ्री होता है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जो होता है उससे ये फ्री होता है। साथ ही इसमें
फ्रीक्वेंसी इरर नहीं होती, इसलिए फ्रीक्वेंसी इरर से भी फ्री होता है। इसके लिए कम मेंटेनेंस चाहिए और साथ में इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं होती। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ही सस्ता मिलता है, मीन्स इसकी जो कीमत होती है, प्राइस होती है, वो बहुत कम होती है। अब जो ये इंडक्शन टाइप वाट मीटर है, इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। तो ये जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है, इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये सिर्फ एसी क्वांटिटी को मेजर करता है, डीसी को मेजर नहीं कर सकता। साथ में ये जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर है, ये जो इंड पोर्शन होता है स्केल का, उस इंड पोर्शन की एक्यूरेट रीडिंग हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये इसके मेन डिसएडवांटेज हो गए। आई होप इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने वो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।